तो असली थिएटर होता क्या है, इनको थोड़ा बताइए। ये लोग बोलते हैं ना सर वो तो थिएटर आर्टिस्ट थे, ये नवाज़ भाई ये वो थे। बहुत से एक्टर जो थिएटर में बहुत अच्छे रहे वो फिल्में नहीं कर पाए उतनी, क्यों सर? एक चीज़ हो रहा है कि इन लोग को मतलब पता नहीं है अभी थिएटर के बारे में। हम लोग लखनऊ में थिएटर किया, हम लोगों ने किया तो हम लोग ने मतलब 6-6 महीने तो नंबर लगता था मिलने के लिए, कोई डायलॉग मिल जाते थे, झाड़ू लगाते थे, चाय पिलाते थे, बैक स्टेज मिलता था भाई, बैक स्टेज उसको कहते हैं बैक स्टेज। और इन लोग को क्या लगता है कि थिएटर यहाँ पे बहुत से रेंदर में क्लासेस खुली है जहाँ 1000-2000 रुपये लेके थिएटर ज्वाइन करवाते हैं लोग, भाई डायलॉग है पढ़ो जाओ बन जाओ। तो असली थिएटर होता क्या है इनको थोड़ा बताइए। ये लोग बोलते हैं ना सर वो तो थिएटर आर्टिस्ट थे, ये नवाज़ भाई ये वो थे, तो थिएटर होता क्या है? मिलते हैं फिर देने पड़ते हैं, ये लोग दे के आते हैं। मैंने फ्री में थिएटर किया, अगर आपको याद हो, अगर जब मैं एंट्री करा तो क्या किया था मैंने यहाँ पे, क्या किया था जब चढ़ने से पहले, तो क्या है ये भाई, मेरा तो स्टेज ही हो गया ना भाई। आप नीचे हो ना, आप ऑडियंस हो, मैं ऊपर, मैं स्टेज ही हो गया ना ये तो। और ध्यान बात कर रखो, एक्टर बन रहे हो, कुछ कर रहे हो, बहुत लोग नहीं करते लेकिन मैं तो करता हूँ। अगर मेकअप मैन आया, मेकअप करने से पहले मैं उसके हाथ चूमता हूँ, जब उसने लिया टच किया हल्का था देन। ये अपने गुरु की बात, अपनी मन की बात बता रहा हूँ। और कैमरा ऑन होने से पहले कैमरे के थोड़ा सा पूजा करता हूँ। ये लोग तो इनको मिलती है स्क्रिप्ट ना, उसको ऐसे रखते हैं, आप देख लेंगे तो शर्म आ जाएगी, उसको मोड़ मोड़ के उसमें सब्जियां लगा लगा के। नहीं बेटा सोचिए, वो अभी पता नहीं है ना, पता नहीं, वो धीमे धीमे बेटा आता है। ये पूजा है हमारी भाई, इसी की तो खाना है मुझे भाई। देखो मैं सिंपल आदमी, मैं देखो क्या पहन के आया हूँ, क्या हूँ, कोई पाम फोकट ना कुछ है, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, काहे कर रहे हो, कब कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, 5W। चाहे हम हो हॉलीवुड के हैं, बॉलीवुड के हों, ये भैया फॉलो सब कहीं करते हैं, हमने भी वही फॉलो किया। लेकिन भूमि क्या है, न्यू मेरी भी थिएटर रही है। हाँ, बहुत से एक्टर जो थिएटर में बहुत अच्छे रहे वो फिल्में नहीं कर पाए उतनी, क्यों? क्योंकि वो अपने को उस माहौल में ढाल नहीं पाए। वो ढालने का मतलब क्या है, एक्सप्रेशंस में है, वॉइस में है। वहाँ पे आप थिएटर करोगे, वॉइस डायलॉग ज़ोर से बोलने पड़ेंगे, एक्सप्रेशंस लाउड देना पड़ेगा। फिल्म में जैसे बात कर रहे हैं ये करना पड़ेगा, एक्सप्रेशंस भी धीमे आएंगे, नहीं तो ये जो पीछे डब्बा लगा है ना जो कैद करता है, पूरा कैद कर लेगा, कट हो जाएगा सीन। एक बार हुआ, दो बार हुआ, सीधे अब यार किस एक्टर को लाए थे, फिर आप डाउन होने लगोगे। पॉजिटिव रहो, दिल से नकारात्मक निगेटिविटी पूरी तरीके से निकाल दो। जो हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, कैमरे के सामने सीन कर रहे हो, सीन के आगे कितनी पब्लिक खड़ी हो मत सोचो, वो पब्लिक है, हम सब कुछ है।